ये कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। बचपन में आपने ये लाइन खूब सुनी होगी। जब लोगों के पास वक्त था तब इस तरह के खेल खेले जाते थे, लेकिन 600 करोड़ रुपए के बजट वाली आदिपुरुष को देखने के बाद सिनेमा हॉल से निकलने वाले दर्शकों की राय सुनेंगे तो टाइम पास वाली इस थ्योरी को पुनर्जीवित करना भी मुश्किल हो जाएगा। लोगों का कहना है कि ये फिल्म क्यों बना, मर्यादा और आस्था से खिलवाड़ क्यों किया गया। फिल्म का पैन इंडिया रिव्यू सुन लीजिए। जैसे हमारी संस्कृति वैसी पिक्चर नहीं है। मैम वेडिंग बहुत ज्यादा बेकार थी और बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। बच्चों के लिए नहीं, संस्कृति खराब करी है हमारी। बहुत ज्यादा चेंज है, बहुत। एक दिन में पूरी लड़ाई खत्म कर दी गई। यहाँ जो हनुमान जी हमारे जो हैं वो इसमें नहीं थे। मूवी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मुझे, और उसके जो डायलॉग है वो भी बहुत अलग है, गंदे टाइप से हैं। और मूवी में जो एक भगवान श्री राम की जो मर्यादा दिखना चाहिए वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। दूसरा ये कि एक हनुमान जी का अपने आप में एक रोल है, वो रोल है ही नहीं। उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग ही बना दिया है। बता रहा हूँ मूवी मत देखिए बिल्कुल भी। जो आपने अगर 2020 के लॉकडाउन में रामायण देखी होगी ना आपने, अगर एक्चुअल में, तो मैं बता रहा हूँ सब मिट जाएगा। मूवी का कोई भी प्लॉट नहीं है, कोई भी स्टोरी नहीं है। जो फैक्ट्स थे सारे फैक्ट्स मिटा दिए गए। रावण कितना पावरफुल था, रावण कितना बड़ा पंडित था, कुछ नहीं दिखाया। किरदार कैसे लगे आपको, मतलब भाई कुछ नहीं। और सबसे गंदा डायलॉग रामायण के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही घटिया है, क्योंकि इसमें जो डायलॉग वगैरह है, जो वर्ड्स है कि जलती है क्या तुम या ये, वैसा रामायण में तो कुछ नहीं है। ये रावण का दाढ़ी था ये पता नहीं था, या देखा रावण का भी दाढ़ी भी है। तो वही कुछ डायलॉग वगैरह जो है वो सही नहीं है। भिक्षाम देही। वक्त कम पड़ जाएगा लेकिन इस तरह के कमेंट्स तकरीबन हर शहर से आ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि ऐसा क्यों है, आखिर क्यों दर्शक आदि पुरुष से इतने नाराज हैं? क्या वजह है कि फिल्म उनके दिल में नहीं उतरी? 600 करोड़ रुपए के बजट वाली फिल्म में कमी कहाँ रह गई? किसी किसी जगह पे वे आर टॉकिंग बहुत रफ था, जिसमें कि रामायण की जो मर्यादा है उसको भूला गया। ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रामायण है और उसके ऊपर ही इसको बनाना चाहिए था, और ये सब चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए था। क्योंकि आजकल के बच्चे जब ये देखेंगे तो उनको ये, वो पहली वाली रामायण तो हम लोग जानते हैं, बच्चे तो नहीं जानते, उनको तो जो दिखाया जाएगा वही सीखेंगे, तो वर्डिंग पे ध्यान देना चाहिए था। कई लोग इस फिल्म को लेकर अपनी बातें रखने के लिए सोशल मीडिया पर जा रहे हैं। दो दिन में ही आदिपुरुष ट्विटर पर टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुकी है। आदिपुरुष डिजास्टर, आदिपुरुष, मनोज शुक्ला, रामायण जैसे हैशटैग्स पर लोग कमेंट कर रहे हैं, जमकर अपने रिएक्शंस पोस्ट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आपत्ति फिल्म के डायलॉग्स को लेकर। असल में जिन डायलॉग और सीन्स की बात हो रही है, जिन शब्दों और वाक्यों का जिक्र हो रहा है, जिन्हें पंचिंग लाइन के तौर पर फिल्म मेकर्स ने आदिपुरुष में जगह दी, वो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। चलीना अभी तो और चलेगी। एक दो नहीं, फिल्म के कई डायलॉग्स ऐसे हैं जिन्हें लेकर पब्लिक का गुस्सा सातवें आसमान पर है। सोशल मीडिया पर ऐसे ही डायलॉग्स और सीन फ्लोट भी किए गए, और इनमें भी सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी बजरंग बली के लंका दहन वाले डायलॉग को लेकर हो रही है। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, और जलेगी भी तेरे बाप। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसी तरह की एक और क्लिप फ्लोट की। जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। आदि पुरुष के सीन बजरंग बली जब सीता से मिलने अशोक वाटिका जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें लंका का एक राक्षसी सैनिक कहता है। ये तेरे बुआ का बगीचा है। कुछ और डायलॉग्स हैं जिन्हें लोग बेहुदा और गैर जरूरी बता रहे हैं। अपनी शक्ति पहचानो बजरंग, जो तुम कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। रघुपति राघव राजा रामपुर वरना आज खड़ा है कल लेटा हुआ मिलेगा। विभीषण जब रावण को समझाने जाते हैं तब कहते हैं, भैया आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। लक्ष्मण को मूर्छित करने के बाद इंद्रजीत कहते हैं, मेरे एक सपोरे ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। लिस्ट बहुत लंबी। फिल्म के ऐसे डायलॉग्स किसी के गले नहीं उतर रहे। वाराणसी में तो साधु संतों के साथ साथ कुछ और लोगों ने फिल्म को बैन करने की मांग के साथ कलाकारों और फिल्म मेकर्स पर एक्शन लेने की मांग कर दी। हिंदू सेना ने तो फिल्म को हाईकोर्ट में चुनौती दी। सस्ती मानसिकता के रूप से
फिल्म के माध्यम से ज्यादा पैसा कमाने के लिए। ये फिल्म नहीं है, ये रामायण नहीं बताएंगे, ये अपमान करने वाली फिल्म है और सिर्फ गेम रूप में, जैसे गेम होता है ना खेल, हमारी संस्कृति को हास्य रूप से खेल के तरीके से दिखाएगा। जितना इन्होंने अपमान करते बना है हमारे हिंदू संस्कृति का किए हैं। जितनी जल्दी वैन लगना हो तो लग जाए, नहीं तो फिर संत लोग सड़क पर उतरेंगे। टपोर जैसे लगता है कि सड़क के चलने वाले सड़क छाप होते हैं, टपोरी अबे तबे कबे करते हैं, वैसी भाषाओं का उपयोग किया गया है। डायलॉग्स के अलावा फिल्म के लेकर लोग अपनी आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं। कोई राम की मूंछों पर विवाद की बात करता है तो कोई कहता है कि प्रभास ने जो पोशाक पहनी उसमें वो राम कम जीसस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो कई ऐसे लोग भी जो रावण के चरित्र की तुलना खिल्ली से कर रहे हैं, दूसरे मुगल शासकों से करने लगे। अब सवाल है कि इस पूरे बवाल पर फिल्म मेकर्स और फिल्म से जुड़े दूसरे लोगों की राय क्या, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल तो फिल्म के डायलॉग्स को लेकर है। लोग कहते हैं कि पौराणिक किरदारों को निभाते वक्त आस्था से खिलवाड़ भगवान का अपमान। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए एबीपी न्यूज के शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिल्म के डायलॉग लिखने वाले मनोज मंतुशिरा, मैं कोई खासियत नहीं देखता। मुझसे अगर आप पूछेंगे तो ये जो ऑब्वियस बातें जो लोग बताते हैं कि भाई प्रकांड पंडित था, प्रकांड विद्वान था, शिव भक्त था, उसने शिव स्तोत्रम लिख दिया, ये सब किया होगा। लेकिन ये सब करने के बाद क्या रावण को अधिकार मिल जाता है कि हमारी माँ का, हमारी बेटी का, हमारी बहन का स्पर्श करे गलत भावना के साथ? मैं ये अधिकार नहीं देता और मैं समझता हूँ कोई भी भारतीय, कोई भी सनातनी ये अधिकार रावण को नहीं देगा। हमें रावण पे कोई गर्व नहीं, और अगर मुट्ठी भर लोग हैं ऐसा जैसा कि आप कह रहे हैं, मैं मिला नहीं हूँ, आई एम येट टू मीट देम, हमें रावण की अच्छाइयाँ वैसे ही नहीं दिखती हैं जैसे कि हमें ओसामा बिन लादेन की अच्छाइयाँ नहीं दिखती कि भाई बहुत बड़ा इंजीनियर था, सिविल इंजीनियर था, अगर वो ब्रिज बनाता तो दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज बना देता। करता ठीक है, उसका नॉलेज, उसका ज्ञान क्या इस बात की अनुमति देता है कि हज़ारों लोगों को जान से मार दे? क्या उसको हथियार उठा के आतंकवाद फैलाने की इजाज़त देता है? नहीं देता। आपका ज्ञान मेरे लिए शून्य है अगर आपके आचरण में नहीं उतरता। पहले के भगवान श्री राम जो हमें फोटोग्राफ्स में और पहले की सीरियल्स में दिख रहे हैं, आपके श्री राम, तो ये तो क्लियरली लिखा हुआ है कि जब भगवान श्री राम समुद्र से 3 दिन तक प्रार्थना करते रहे कि मेरी पत्नी के प्राण संकट में है, मुझे मार्ग दे दो। मनोज मुंतशिर डायलॉग को जस्टिफाई करते हैं, कह रहे हैं कि नई जनरेशन के हिसाब से डायलॉग लिखे ताकि लोगों को आसानी, लेकिन लोगों का मानना है कि अगर फिल्म के नाम पर, भगवान राम के नाम पर, बजरंग बली के नाम पर ऐसे भद्दे डायलॉग परोसे जाएंगे तो आदि पुरुष भारत के सनातन सभ्यता और संस्कृति का प्रतिबिंब कैसे हो सकती है? क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर कहीं ओम राउत से बहुत बड़ा ब्लंडर तो नहीं होगी? जय